वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इवनिंग व्लॉग में आपका वेलकम करते हैं। और अभी बेसिकली शाम का टाइम हुआ है और शाम बेसिकली क्या काफ़ी लेट हो चुका है, तकरीबन 5:30 का टाइम है और ये एक कबूतरी मेरी उड़ गई है, ये आपसे शेयर करते हैं। यहाँ से ये दिख रही होगी आपको, यहाँ से नहीं दिखी तो अब देखिए फिर ये दिखी, ये जा रही है। तो मौसम थोड़ा अजीबोगरीब है, ये जा रही है, देखिए वो जा रही है, ये जूम किया मैंने, ये मुड़ी ऊपर को, ये केज के ऊपर, ये कबूतर नीचे सारे खोले हुए हैं। तो थोड़ा सा हल्की सी छेड़ कराते हैं इसको, कबूतरों को ऊपर भेजते हैं। ये देखें जी, ये आ गई, ये जा रही है, वो देखें दिख रही है, वो जा रही है। ये थोड़ा और जूम करूँ, एक्चुअली ये लंबा होकर बैठेगी तो मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये आ रही थी बीच में, शुगर शुरू है, आज सुबह भाई साहब ने लगाया था, अभी शाम को मैंने लगा दिया। ये दिख रही है आपको मादी, ये आ रही है ऊपर, ये चेक करें, ये मेरी घर की लाखी पट्टी है। तो ये आ गया, ये ऊपर कबूतर खुले हुए हैं, नीचे सारे कबूतर खुले हुए हैं, A to Z जो है सारे कबूतर खुले हुए हैं और मज़ा लें, इंजॉय करें। ये जा रही है मादी, दिख रही है, वो जा रही है। तो इस टाइम पे अब बैठने वाली होगी हुई है, बाजबारी भी काफ़ी है ऊपर और लगड़ शगड़ जो है वो तो होते ही इन दिनों में। खैर ये चेक करें, थापे चेक करें, थापा कबूतर का थापा ही होता है जो देखने लायक होता है, उड़ारी तो दुनिया देखती है, सारे देखते हैं, लेकिन थापे से बंदे की अपनी सेटिस्फेक्शन हो जाती है। और ये चेक कर लें, बाकी कबूतर सारे अंदर बाहर ये खुले पड़े हैं। और वो ऊपर एक मैंने कपड़ा फेंक दिया हुआ है उड़ाने के लिए जब इनको उड़ाने लगा था। ये देखेंगे, ये ऊपर आई हुई है, दिख रही है, और जूम करूँ, और जूम करते हैं जी, ये जा रही है, ये दिख रही है, ये देखें जी, ये आई है ऊपर अभी बिल्कुल, ये वो है यंग पट्टी है, बच्चे निकाले हुए हैं इसने, ऐसे ही हिल गई बेसिकली, इसको उड़ाना नहीं था तो ऐसे ही हिल गई है। ये चेक कर लीजिए, और ये बिल्कुल ऊपर आई हुई है। अब मौसम थोड़ा सा शाम का है, धुंधला मौसम है और सूरज ढल चुका है बेसिकली ऑलमोस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये आपके शौक के लिए, शुगर के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने सोचा चलो आपसे जो है इनका शुगर जो है वो शेयर करते हैं। और ऊपर ये चेक करें, इनको थोड़ा नीचे से थोड़ी शेड लगानी पड़ रही है, मादी बेसिकली अभी कच्चे परू में है और साथ में इसने बच्चे भी निकाले हुए हैं, तो ये उड़ गई हुई है, उड़ाना नहीं था इसको। चलें जी, अब ये होता रहता है, कभी उड़ जाते हैं कभी उड़ा दिए जाते हैं, तो शौक यही है, उड़ाओ। ये देखें हम नई छत पर ही जाना शुरू हो गए हैं उधर, और इनको ऊपर पता चल गया, ये आ गई जी, ये देखें जी, ये कैमरा भी ना बड़ा अजीब सा हो गया हुआ, ब्लर सा हो जाता है। ये जा रही है, दिख रही है, ये वो जा रही पीछे को, लंबी होके बैठेगी ये, यहाँ से थोड़े से कबूतर ऊपर भेजे हैं, ये आ रही है जी, ये देखें, ये यहाँ से आपको दिखेगी बीच में, ये देखें, ये दिख रही है, ये जा रही है ऊपर। तो हल्की हल्की छेड़ भी लगानी पड़ रही है क्योंकि शाम का टाइम है, सूरज ढल चुका है, कबूतर फिर रात रह जाए मुश्किल होती है। और ये आ गई है छत के ऊपर, थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको, फिर ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगी ये। तो इसकी माँ की उड़ारी भी सेम ऐसी ही है और इसकी भी उड़ारी सेम ही वैसी ही है। ये चेक करें, नीचे से ठापे छापे लगा रहे हैं कबूतर, अपने आप ही लगा रहे हैं ये खुद ही, ज़्यादातर कबूतरों का यही फ़ायदा होता है, उड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ही उड़ते हैं। अंदर तड़प होनी चाहिए, ब्लड होना चाहिए, फिर कबूतर खुद ही उड़ता है, जिसने उड़ना वो खुद ही उड़ना है, फिर उड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको। ये चेक करें, टैडी गोल्डन कलसरे कलदुम्बे डब वाले लाखे चाल कोटी बटेरे 35 वाले गोल्डन और बाजरे, जो भी नस्लें आप तकरीबन 95% नस्लें जो हैं वो सारी मिला लीजिए, ये सारी होंगी यहाँ पे। तो मोतियों वाले हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, तो इंजॉय करें। ये मादी बैठ रही है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये आ गई मादी, ये देखें, ये है बिल्कुल छत पे आई हुई है बिल्कुल, अब तो बैठ जाएगी, मैं दिखाता हूँ आपको।
ये अभी यहाँ से ये आएगी बीच में से, ये आ गई अभी, ये दिख रही है, ये आ रही है ऊपर, ये गई। तो आज भाई साहब ने आगाज कर दिया कबूतरबाजी का, तो वेलकम टू 2023 कबूतरबाजी 2023। वो जा रही है उधर, ये आ रही है, जैसे दिख रही होगी आपको, नहीं दिख रही, ये देख लें, फिर ये ऊपर आई है, बिल्कुल बिल्कुल नीचे नीचे होगी हुई है अब तो। थोड़ा है ना दाना सुटो है ना कि ना बच्चे वाली है ना, वो दूसरी भी उड़ा रही थी। ये चेक करें, वो एक पट्ठा हिल गया जी, ये देखो उसको भी बड़ी मिर्ची है, सारे अंदर है, अंदर कर लो अंदर। ये चेक करें जी मंजर, शाम का मंजर और कबूतरबाजी, और पट्ठी मेरी कहाँ गई थी, ये कहाँ फंस के बैठा हुआ, देखो जी ये इसको कोई जगह नहीं मिली, ये तारों के बीच में मादी इधर को गई, ये देखें जी इसको जगह नहीं मिल रही, मैं बता रहा था आपको, ये देखें कहाँ फंस के बैठा हुआ है। तो मादी किधर गई है, इधर गई पीछे शायद, ये देखें चपड़े हैडी कसूरी गोल्डन हर तरह का जो है वो यहाँ पे परिंदा ओपन छोड़ा हुआ है। मैं नहीं ज़्यादा वो करता, इतना कोई टेंशन उनसे लेता, ज़्यादा कोई चक्कर नहीं यार, वो तो सारे थले आ गए थे नहीं। तो ये देखो जी कबूतरी अब बैठ नहीं रही, काफ़ी देर हो गई इसको, वीडियो पॉज कर करके बना रहा हूँ, थोड़ी अब लंबी लंबी जा रही है। तो अभी ये आ गई, ये आ गई, ये दिख रही यहाँ से, ये आएगी, ये गई, कबूतर ऊपर करो जाले के ऊपर, और बाहर वाले शेड ने बस खाली ये थले वाले, हाँ ये देखो ये जा रही है, आए हाँ छत ते आ गई थी। दरअसल सेम माल ही डुआरी थी बिल्कुल गोल, जो जाले ऊपर उड़ना ना ये नवी नवे पढ़ना ना, वो नहीं करती कि ना गोल नहीं है करती, ये बैरी गुल पाची गई फिर अग पाएगी। कबूतर कोई जाने को जुड़ने का कोई तरीका नहीं है, जिसने खींचना होता है जी खींच जाता है, जिसने भागना होता है भाग जाता है, बस कोई फंडा नहीं है कबूतरबाजी का, सब बकवास है। यूट्यूब पे जितना भी बिक रहा है ना सब बकवास है, कोई कह रहा हड्डी इतनी होनी चाहिए, कोई कह रहा कैंडे में कबूतर होना चाहिए, कोई कहता जी बॉडी स्ट्रक्चर ही नहीं समझा पाते कई लोग, तो मुझे हद आती समझ नहीं आती कि बंदे लोग क्या बंदे लोग हैं, जो भी बंदे जो हैं यूट्यूब पे लगे हुए हैं, कोई कहता जी दुम नहीं खुली होनी चाहिए, कोई कहता कबूतर उड़ते हुए दुम बंद करके उड़ना चाहिए, पता नहीं क्या अजीबो गरीब हड्डी जोड़ ये वो लगाया हुआ, उड़ाओ मैदान दिखाता आपको, बंद जोड़ भी उड़ेगा खुद खुला जोड़ भी उड़ेगा, बंद जोड़ मैं कहता हूँ फेल है, टोटल बंद जोड़ जिसको लोग कहते हैं। फिर पहले जो था बाबा सिकंदर कहता था जी जोड़ बंद चाहिए बंद चाहिए, फिर बाद में आ गया जी नहीं जी थोड़ा इतना गैप होना जरूरी है, इतना गैप होना जरूरी है जी, इतना गैप होना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, फिर टिके रहो ना अपनी बात पे, अगर बंद है तो मतलब बंद, बंद का मतलब समझते हो ना, बंद टोटली क्लोज्ड, देयर इज नॉट अ सिंगल ओपनिंग इन दैट, ओके क्लोज्ड कर्व जिसको हम कह सकते हैं। हद होगी यार, ये मजाक बना रखा है लोगों ने अपने आप को फेमस करने का ना, ये कोई और फंडा नहीं है यार हमारे, मैंने भी अपने चैनल पे 800 वीडियोस के करीबन डाल दी हुई हैं यार, मैंने कभी कभी नहीं कहा, मैंने 11 साल पुराना चैनल है मेरा, और 11 साल में मैंने एक भी वीडियो में ये नहीं कहा कि बंद जोड़ चाहिए जी, और कबूतर मेरे भी शाम को बैठे हैं, ठीक है ऐसी बात नहीं, बैठते हैं कबूतर शाम को, उड़ते भी हैं कबूतर, आते हैं जाते हैं, नहीं उन्नी छेड़ना दाना दाने की छेड़ दो, ये नहीं इन्होंने पाओ देना फिर वो होता है कोई जगह रुक जाता कबूतर। तो ये जी कबूतरबाजी है, कबूतरबाजी मतलब परबाजी, परबाजी का मतलब आसमान की बाजी, केज में रख के तो मैंने ये नस्ल इकट्ठी कर ली, मैंने ये नस्ल इकट्ठी कर ली, ये इतने लाख वाला, ये इतने लाख वाला,
उड़ने वाला हो तो फिर 200 वाला भी काफी होता है, फिर लाख लाख वाले में, फिर 200 वाले में क्या फर्क रह गया, जब लाख वाला और 200 वाला जो है, अगर 200 वाला जीत जाता है लाख वाले को मान लो, ठीक है, तो फिर लाख वाले की क्या वैल्यू होगी, कुछ भी नहीं, जीरो। तो बेहतर यही है किसी की बातों में ना हो, अपना जो है अपने सुकून से अपनी कबूतरबाजी करो। 11 साल से इमेजिन करिए, 11 साल थोड़े नहीं होते, वो बात अलग रही कि हमारे यहाँ पे इंडिया में ऑडियंस नहीं है पिजन्स की, या वीडियोस मैंने उस तरह से नहीं डाली जिस तरह से डालनी चाहिए थी, या जिसमें मैंने कोई क्रिंज नहीं डाला, या कुछ भी कह लीजिए कोई बेफालतू की गाली गलोच नहीं डाली। ये बैठ रही है मादी, ये जा रही है, अब बैठ गई, अब तकरीबन बैठ गई है, ये फिर लास्ट है जी, ये आई गई थे, ये देखो जी, ये बैठी है जी, ये सेम अपनी सांस चढ़ी हुई है इसको आज, ये बैठी है जी, ये देखिए ये बैठी है लेफ्ट वाली जो है। तो उड़ते हैं कबूतर, उड़ने वाले नहीं, उड़ने वाले नहीं उड़ते, कोई सीधी सी बात है, अब किसी के साथ बहस तो कर नहीं सकते, लेकिन ये है कि भाई कबूतरबाजी जो है उड़ा के पता चलता है, जाल में रख के, केज में रख के, ये मेरी फलानी ब्रीड है, ये मेरा फलाना है, ये मेरा फलाना टैडी है, ये डिमकाना है, वो कोई टैडी टूटी नहीं, टैडी कबूतर फेल है, टैडी कबूतर फेल इसलिए कि उस कबूतर की एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा भी सेपरेट वीडियो बना के। मैं ये नहीं कहता कि टैडी कबूतर, पहली बात तो कोई ब्रीड ही नहीं है, पहली बात कोई ब्रीड ही नहीं है टैडी पिजन, ठीक है, वो एक नाम है बेसिकली, किसी के नाम से चल पड़ा, दैट इज नॉट ए ब्रीड। तो बाकी ये कलसरे कबूतर थे, ये चेक करें जी, ये ऊपरी बोली जा रहा है, ये जीरा नारा बेसिकली, यहाँ पे ना धूप पड़ रही है, शाम बेसिकली होगी इस साइड से, उस साइड से धूप है बेसिकली, सूरज सनसेट हो चुका है यहाँ से, और ये मादी जो है बेसिकली अभी जो बैठी है वो है। तो अभी आज मेरा एक बेबी पिजन जो है वो अभी तक नहीं आया, तो उसकी अपडेट मैं जो है आपको कल दूंगा। बाकी ये कबूतर देख लें जी, आपके सामने ही है, उड़ाए भी थे आज काफ़ी सारे, पूरा दिन समझ लिया छत पे रहे हैं भाई साहब मेरे, और मैं तो दोपहर को आया था, और एक बच्चा उड़ गया सुबह का वो हाँ तो वही बता रहा हूँ ना इनको कि बच्चा उड़ गया हुआ है, वो अभी है किसी जगह पे बैठा हुआ, बता नहीं सकते आपको, सिर्फ ये है कि बता इसलिए नहीं सकते चिड़ी मारूं कि वो नजर में ना आए बस। तो चिड़ी मार आपको पता है, चिड़ी मार एक मिनट नहीं लगाते, आगे मेरे कबूतर बहुत जोर रात रहे हैं, आगे पीछे बैठ जाते रहे हैं, कि टावर पे गए तो चिड़ी मार जाके रात को टावर से उतार लेते हैं जी। तो बस यही वजह है और कोई वजह नहीं है, बाकी मैं कोई वो नहीं है, पास में बैठा हुआ मेरे घर के थोड़ी मतलब थोड़ी दूर पे ही बैठा हुआ है, तो चिड़ी मारूंगा कोई भरोसा नहीं भाई, चिड़ी मार जो है वो आधी रात को पौड़ियाँ लगा के चढ़ जाते हैं ऊपर, और उनका कोई पता नहीं है, भरोसा नहीं है। तो चिड़ी मार के खिलाफ नहीं हूँ मैं, लेकिन ये है कि सब करते हैं चिड़ी मारी, करो किसके केस पे कबूतर बैठा हो कौन छोड़ता है यार, यहाँ पे डॉक्टर चिड़ी मारी करते हैं, इंजीनियर चिड़ी मारी करते हैं, टीचर चिड़ी मारी कर रहे हैं, हर कोई चिड़ी मारी कर रहा है, बड़े से बड़ा बंदा चिड़ी मारी कर रहा है, जो कर रहे हो वो एक्सेप्ट करो, लेकिन ऐसा मत करो कि यार लोगों को गुमराह करो या लोगों के जो शौक है उनको खराब करो। मेरे भैया हैं ठीक है, मैं जानता हूँ या वो जानते हैं या जो वो लोग जानते हैं जो इनसे कबूतर लेके जाते रहे हैं अभी तक, पिछले सीजन तक, या इस सीजन में भी कबूतर किया, इस सीजन में कोई कबूतर वापस अभी नहीं किया ना, मतलब ऐसे ऐसे कबूतर वापस करती हैं जो लोग, मतलब लोगों ने किसी का कबूतर है, किसी को ये बंदा आके ले गया और आगे उसने बेच भी दिया है, ये कह गया कि मेरा कबूतर है वो, और जिसका कबूतर था वो बेचारा कहता जी ये तो कबूतर मेरा था, अब पड़ गई ना वहां पे लड़ाई, ये हाल है यहाँ तक चिड़ी मारूंगा। तो जो कबूतर अपना हो बंदा वही लेने आया तो ठीक रहता, अब देने से पहले निशानी, मैंने इनको बोल दिया निशानी पूरी लो, ऐसे नहीं देना किसी को भी, कोई फोन कर दे जी मेरा कबूतर आ गया जी फलाना, हो सकता है मेरी छत पे कोई कबूतर बैठा हो, ठीक है सारी निशानी तो मेरे सामने आ गई उसकी, हाँ कैसी है, रंग कैसा उसका, उसके ऊपर रंग लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, पंजे कैसे हैं उसके, तो कबूतरबाज तो दूर से देख लेता कबूतर है क्या, ठीक है। एक बार क्या हुआ मेरे घर पे मेरा कबूतर वापस आया अपना कोई 2-3 साल बाद, तो मेरे आसपास में ही बंदा रहता है, वो कहता जी मेरा कबूतर बैठा आपके घर में, उसको पड़ी हुई हैं हरी कड़ियाँ, हद होगी यार, नीले और हरे रंग में फर्क ही नहीं रहा, उसको जिसने भी पकड़ा हुआ था या जिससे भी वो वापस आया था वो नीली कड़ियाँ डाली हुई थी, तो कबूतर दिखता है रंग कहाँ दिखता है, रंग का कोई पता नहीं चलता इनको, तो कहता जी
पास में ही रहता बंदा, कहता जी कबूतर मेरा आपने पकड़ा है, वो आपने ना उसको ना जीरे रंग का कबूतर है, ये है वो है, उसको आपने ना, उसको मैंने ना हरी कड़ियाँ डाली हुई हैं। मैं वाह यार हरी कड़ियाँ, मैं उसको ले आया छत पे, तो मैंने उसको बोला मैं इसी कबूतर की बात कर रहा है, कहता हाँ, मैं उसको पता कहाँ पड़ी हुई हैं क्या कहते हैं हरी कड़ियाँ, तो उसको तो नीली कड़ियाँ पड़ी हुई थी, तो बड़ा मतलब डीट करके मैंने भेजा उसको अपने छत से। तो बड़ा अजीब ऐसे ऐसे लोग भी हैं। अब मैं खैर भैया मेरे हैं वो थोड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, जॉब वर्किंग है, बेसिकली जॉब करते हैं, तो वो इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ते, वो 100-250 हज़ार रुपये की चीज़ की परवाह नहीं करते, तो मैं भी नहीं करता, भाग जाए तो मैं तो नहीं जाता पूछने। अगर कई बार ये चले भी जाते हैं तो मैं इनको मना कर देता हूँ, नहीं जाना था, आप क्यों चले गए, तो मेरा तो सीधा मानना ना लेना ना देना, सीधी सी बात, अगर किसी का आ भी जाए तो देना नहीं, पूरी पहचान हो निशानी हो फिर बंदा कहता चलो जी दे देते हैं, ऐसे लड़ाई पड़ जाती है, चिड़ी मारूंगा काम यही होता है। तो चिड़ी मार मतलब बेसिकली वो लोग जो पूरा पूरे दिन छत पर बैठे रहते हैं और कबूतर पकड़ते हैं लोगों के। शौकीन बंदा जो होता है वो कभी भी पूरा दिन छत पर नहीं बैठेगा, पहली बात। दूसरी बात, शौकीन बंदा जो होगा वो कबूतर उड़ाएगा और कबूतर उड़ा के अपना शौक पूरा करेगा, और शौकीन होगा बेसिकली वो, मतलब उसको जो चीज़ पसंद है, ये देखो ये आई है मादी, ये बैठ गई, ये आ रही, ये सीधी अंदर गई वो केज के अंदर, तो आ गई मादी नीचे। तो चलें जी, ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है और बहुत दिनों बाद आज मैंने इतनी लेंथी वीडियो बनाई है, और अभी तो सीज़न शुरू भी नहीं हुआ बेसिकली, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो पार्टी भी बाकी है। तो ये कबूतर जो उस दिन तड़क गया था मेरा, ये ऊपर बैठा हुआ जालदार सा कबूतर, अब तेरी बारी है, ये उड़ गई एक और। नहीं जानती, इलाज कर देना मैं सारे का। ये वो कबूतर है जिसकी थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो बना के डाली, एक पर वाला कबूतर, तो इसकी मुझे कोई 1,00,000 रुपये भी देना मैं तब भी ये कबूतर ना दूँ। ये कबूतर 1,00,000 रुपये नेट कैश मेरे आगे कोई रखे तब भी मैं ना दूँ ये कबूतर। तो कबूतर की वैल्यू मुझे पता है इसके क्या है मेरे लिए, तो बाकी ना मैं सेल करता हूँ ना मैं परचेज़ करता हूँ, तो आई डोंट बिलीव इन सेलिंग पिजन्स। शौक को सेल करना मैं शौकीन नहीं मानता उसको, जो बंदा शौक को सेल करता है ना उसको मैं शौकीन नहीं मानता। हाँ, उड़ाने वाला इंसान जो है या जिसने अच्छा कबूतर का जो सेटअप बना के उनको उनकी प्रॉपर केयर कर रहा है वो बंदा मैं चलो शौकीन मान सकता हूँ, लेकिन वो बंदा मैं कभी शौकीन नहीं मानूंगा जो मतलब कि काट काट के रखे और अंदर ही रखे केज के 24 घंटे। हाँ ठीक है, ब्रीडर कबूतर अपने रखो, वो नहीं मैं कह रहा, एटलीस्ट उड़ाए तो सही बंदा, इधर ही होगा पीछे। तो लो जी, वीडियो वाइंड अप कर देते हैं अब, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, तो टिल देन गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।